हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत आए हुए पाठ लखनवी अंदाज, जिसके रचनाकार हैं यशपाल। आइए यशपाल के ऊपर कुछ जानते हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब की फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये लाहौर के नेशनल कॉलेज में गए और उन्होंने वहाँ से बीए किया। यहीं पर उनकी मुलाकात सुखदेव और भगत सिंह से हुई, जिसके कारण उनका जुड़ाव स्वाधीनता संग्राम की मुख्य धारा से हुआ, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के संवेदना की पीड़ा मुखर होती है। ये यथार्थवादी शैली के मुख्य रचनाकार हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता इत्यादि उल्लेखनीय है। उनका छोटा सा उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी को भी व्यक्त करता है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीविता उनकी रचनागत मुख्य विशेषताएं हैं। लखनवी अंदाज व्यंग रचना इस बात को प्रमाणित करने के लिए लिखी गई थी कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है। पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने आज की वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीने वाले व्यक्तियों पर तीखा प्रहार किया है। आइए अब चर्चा करते हैं लखनवी अंदाज पाठ के विश्लेषण के ऊपर। लेखक भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने तथा प्राकृतिक दृश्य को देख सकने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट लेकर पैसेंजर ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वह डिब्बे में गया, उसने देखा कि सामने बर्थ पर एक नवाब साहब पहले से ही बैठे हैं। उनके बगल में तौलिए पर दो ताजे खीरे रखे थे। उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लेखक को आते देख करके अप्रसन्न हो गए थे। लेखक उन्हें कनखियों से देखते हुए कल्पना करने लगा, उनकी अप्रसन्नता को वो गौर से देखने लगा। नवाब साहब ने लेखक को आदावर्ज किया और खीरे को खाने के लिए पूछा। लेखक ने इनकार कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने नफासत से खीरे के सिरों को काटा, उसकी झाग निकाली, बर्थ के नीचे रखे हुए लोटे में रखे हुए पानी से उसे धोया और बड़े ही करीने से उसकी भांकों को अलग अलग काट करके एक रुमाल पर उसे व्यवस्थित ढंग से बिछा दिया और उसने लेखक को फिर से आग्रह किया कि किबला शौक फरमाए। लेखक ने इनकार कर दिया खीरा खाने से। तब नवाब साहब बड़े ही करीने से, बड़े ही ढंग से अपनी सभ्यता को प्रदर्शित करते हुए खीरे की एक एक फांकों को अपने मुंह तक ले जाकर के नाक से सूंघ करके उसे खिड़की से बाहर फेंक देते थे। ऐसा करके उन्होंने एक एक खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और थक करके खीरे के इस्तेमाल से और खीरा खाने के तरीके से वो थक करके लेट गए और कहने लगे कि खीरा होता तो बड़ा लजीज है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेदे पर बोझ डालता है, अर्थात यह पचने में मुश्किल होता है, इसके पचने में कठिनाई होती है। लेखक के जैसे ज्ञानचक्षु खुल गए। वह सोचने लगा खीरे को बिना खाए मात्र उसके स्वाद की कल्पना से जब उधर पूर्ति हो सकती है तो बिना विचार, घटना और पात्र के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। प्रस्तुत व्यंग रचना को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करना है, जो वास्तविकता से बेखबर बनावटी जीवन शैली जीने की आदि है। आज भी ऐसी परजीवी संस्कृति के तत्व हमारे देश में व्याप्त हैं। लेखक का संदेश ऐसे व्यक्तियों के लिए यही है कि वे
कृत्रिमता और बनावटीपन से बाहर निकलकर एक सरल जीवन जिए तथा स्वाभाविक जीवन जिए, सच्चाई से दूर रहकर जीना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको इस पाठ का ये विश्लेषण समझ में आएगा और पाठ को गौर से पढ़िएगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको इसमें कोई मुश्किल पेश आएगी।